पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार धन्यवाद। अभी तक धर्म के नाम पर कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग सिर्फ राजनीति करते थे, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि रामनवमी और नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ है, मुझको लगता है उससे पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा और उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ेगा, ऐसा मुझको आशा और विश्वास है। और योगी जी को धन्यवाद है। और मुझको लगता है कि राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार से राजनीति होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर डिबेट में शुरू हो गया कि जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले कालनेमी टाइप के जो नेता हैं ना, उनके जो है जलन शुरू हो गई और शुरू हो गए हिंदू और मुसलमान करने में। इसमें हिंदू और मुसलमान कौन सी बात हो गई भाई? भाई रामनवमी का पर्व है और रामनवमी के पर्व पर तमाम स्कूलों में कार्यक्रम होता है, कभी किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। तमाम मजहब का कार्यक्रम होता है, तो इसमें सरकार के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, ऐसे ही सरकार कार्य करते रहे और मुझको लगता है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अलावा। राम जन्म श्रुति गांव ही तीरथ सकल तहां चलिया मैं, यह आयोजन जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित ब्लॉक स्तर तक रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ तथा वाल्मीकि रामायण और दुर्गा सप्तशती का इस भव्य दिव्य रामनवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में कराया जाना है, निसंदेह ही यह बहुत ही उत्तम कार्य है, धर्म का उत्थान है। देखिए, जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु बिरुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा केंद्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जो ऐसे महान भावों के द्वारा आज धर्म का उत्थान हो रहा है, निसंदेह ही ये महापुरुष हैं और इन महापुरुष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तथा देश आज उत्तम प्रदेश और दुनिया के मानचित्र पर विश्वगुरु बनने के लिए आतुर है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है, यह अति प्रशंसनीय और सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से रामचरितमानस में उत्तर कांड सभी प्रश्नों का उत्तर है, उसी तरह से राष्ट्र में सभी प्रदेशों की समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश है, जो उत्तम प्रदेश बन चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से राम राज की शुरुआत होने जा रही है। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय में आसुरी शक्तियों का विनाश हो गया था और राम राज्य की शुरुआत हुई थी, उसी तरह से जो राम विरोधी लोग हैं, अब वो जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं, जनता उनको नकार रही है और जो लोग भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं उनको जनता स्वीकार कर लिया है। इसलिए योगी जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, जिसका हम साधु संत धर्माचार्य स्वागत करते हैं। रामचरितमानस यह प्रभु श्री राम का पावन चरित्र है। अब कहते राम उपासक जे जग माही यह संप्रीत तिनके कछु नाही, जो भी राम उपासक हैं उनको रामचरितमानस से ज़्यादा प्रिय और कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह जो फैसला है यह अति सराहनीय है। हम साधु संत धर्माचार्य इसका स्वागत करते हैं और जो 1,00,000 रुपये योगी सरकार प्रत्येक जिले को दे रही है रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए, यह रामराज की शुरुआत है।